था फिर एक सवाल की श्रृंखला पर, अभी बहुत सारे बच्चे हैं हमारे और अभी महिलाएं तो बची हुई है, इन लोगों का थोड़ी हेवी क्लास लेना है। हालांकि हमारे इनकी महिलाएं द बेस्ट है और देवता की तरह है और बहुत ज्यादा यही कारण है कि रिजल्ट आता है, क्योंकि ये लोग काफी मेहनत करता है, समझता है अगर अभी नहीं पढ़ेंगे गार्जियन कहीं ना कहीं विवाह कर देगा और कसाई के खूंटा बढ़ा जाएंगे, इसलिए ये लोग डर के सहम के पड़ता है और सबसे ज्यादा रिजल्ट आज के डेट में महिला ही देती है। तो चलिए सर आपसे सवाल है, ये बताएंगे भारत के संविधान को लिखने में कितना समय लगा? हाथना सोच के बोले कि दो वर्ष ग्यारह अठारह दिन। अच्छा ये बताएंगे संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? 389 बैठी पढ़ने के लोगों, आप बताइए कि कितने इलेक्टेड मेंबर थे संविधान सभा के, कितने चुनाव हुआ था? 292 वो पढ़त नहीं थी का स्टडी पॉइंट खराब बा, स्टडी पॉइंट से बढ़िया कोनो कोनी पटना दिल्ली तक मिली जल्दी बैठे आना जाना खाली छिप के रहना। सर से बतियाते हैं कभी आप लोग? बार बार कहते हैं जिसको कोई दिक्कत हो हमसे मिलिए, पूरा सीढ़ी पर खड़ा रहते हैं दास की तरह नौकर की तरह जब बैठ छूटता है। अधिकतर बच्चे उतर के जा रहे हैं मुस्कुराते हैं, अरे रुक के पूछिए हमसे कि भैया क्या दिक्कत है, ना बताएंगे तब तो आपको। क्लास के अलावा भी सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं हम लोग जी। आपकी बारी है, कमिश्नरियों से कितने मेंबर थे? 4 बैठी। आप ये बताएंगे कि देशीय रियासत से कितने मेंबर थे संविधान सभा के? 93 बैठी और वो पर निहारे पानी। आप ये बताएंगे कि कितने लोग निर्वाचित होकर आए थे संविधान सभा में? 2 संविधान पर अभ्यन बता नहीं बड़े तनी मकचुसियों बच्चा सब करता है। हम कहते हैं कि भैया तनी कमजोर हो तो स्पेशल बैच में आ जाओ, उसमें रटवाते हैं चाहे सुबह का बैच हो चाहे शाम का बैच हो, लेकिन आप लोग जो है मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहते हैं कि मंगनी में पैसा ना दी आ यही में नौकरी हो जाए, घूस वाला ले लो 5 लाख 10 लाख, लेकिन मेहनत करने वाला ना। अरे मेहनत करेंगे तो तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा, मेहनत करोगे तो अपने बच्चों को पढ़ाओगे, मेहनत करोगे समाज में इज्जत मिलेगा, मेहनत करके जाओगे डिपार्टमेंट में इज्जत मिलेगा, मेहनत करके जाओगे डिपार्टमेंट तरक्की करेगा, आ दलाली मलाली करके जाओगे तो खाली नोच के खाओगे ना, क्या करोगे देश के लिए? इसलिए एनी हाउ उम्र है तुम्हारा नॉलेज प्राप्त करके जॉब में जाओ, और अगर दिक्कत है तो हम स्पेशल बैच चलाने के लिए तैयार हैं, आ चला रहे हैं, उसमें आने वाला आ रहा है सफलता ले रहा है, और आप लोग खाली मुट्ठी बंद करके रहता कि लाखों करोड़ों भाड़ा लगता तो बात है, स्पेशल का मात्र 15,000 और भी इधर 7,750 भी घोषणा कर दिए थे, अब चाहते तो उसमें आ जाते, इसका लाभ उठाते एकदम से। चलिए फिर बता दे रहे हैं आपको इस पर भी कि आज भी अगर शाम 4 बजे तक 7,750 भेजे तो आ जाइए सब, हम कहेंगे बाबू ना तो बर्बाद हो जाइएगा, खाली समय देना है आपको ज्यादा, 7:15 में आइए, 9 बजे तक उधर एकदम रटा हुए काम होता है बेहतरीन जान लीजिएगा, आ ये भी पढ़िए इसके बाद भी पढ़िए, जब बैच मन करे मात्र 7,500, लेकिन आप लड़का लो बाहरी 15 लेंगे इधर है, आप जल्दी से जल्दी 10 सीट आज ले लेंगे एडमिशन अगर आ जाइएगा तो, अगर हम नहीं लेंगे सॉरी किसी को बुरा लगे तो जी जी। और मेरे पास मैडम नहीं लेगी, मैडम बहुत खुशी आ रही है कि एकदम सस्ता कर कर के आप कोचिंग को डुबाते जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं हुई तो सब पे डूबो नहीं तो ये चल जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा तो महाराज हम लोग देसी फी लेने के मूड में ही जान लीजिएगा, वो अलिया खाली आ जाए देखिएगा कतना कतना छानेंगे छाली, हम लोग बेहतरीन शोषण करेंगे छपरा जिला का ही जान लीजिए, इसलिए मौका है आज बहुत फायदा उठा लीजिए थोड़ा सा जिनको भी मन करे। हाँ जी बाबू आपसे सवाल है, गारंटेड रिजल्ट हो गए जान लीजिएगा, हम पर आ गया रिजल्ट ना ये कैसे सोच लिए आप जी, हाँ बस को जादू के छोड़े नहीं कि एक दिन में होगा, लेकिन परीक्षा के पहले तो कितना रटवा देंगे कि पास करेंगे आप, मेरिट नहीं बनेगा ये कैसे होता है, सवाल नहीं मेरिट नहीं बने, फिजिकल की तो गारंटी देते हैं हम हमेशा ही। हाँ सवाल है बाबू जल्दी थोड़ा सा बोलिएगा, ये बताएंगे कि संविधान सभा के कितने सदस्य जब संविधान बना दो भारत में जीवित थे? 299 पढ़े ना रोगा लोग बैठी
बगल में आगे बढ़े संविधान के कॉपी पर कितने लोग साइन किया? 292, 284 लोगों ने की पढ़ो बैठी बगल में। प्रमोद जी आप भी स्पेशल में आइए एकदम से, पहले एक नौकरी कर लीजिए और बाद मन चाह नौकरी होगा न तो उम्र नहीं ना जी। छपरा के लड़कों में बस गार्जियन 2 से 3 साल में चाहता है नौकरी हो जाए। और आप लोग आईएएस के टारगेट रखे, अच्छी बात है, आईएएस बनने में 5 साल लगता है, जान लीजिएगा, ऑनलाइन बोल रहे हैं आप लोगों को, 5 साल से कम में कोई आईएएस नहीं बन सकता। कहीं भी पढ़े तो माने भगवान चाहेंगे तो किसी को करा देंगे, आदमी के पढ़ाई से ना बने। ठगाई हो कि 6 महीने में 3 महीने में कोई आईएएस बन जाए, अगर हम बन जाते तो कहते कि एग्जाम के सेंटर पर पढ़नी हो आईएएस बन गई हो, ताकि लोग बुझे जे कितना पे हो तो पढ़ने में बाप पढ़ने के लिए सब बन जाने के बाद कहते हैं हम तो कभी पढ़े ही नहीं, कभी पढ़े ही नहीं। तो उतना लाखों लाख लोग बैठता है और 500-600 सीट होता है। जी सवाल है आपसे, आज ले लीजिए एडमिशन आप, ठीक है, स्पेशल में कम होगा तब हम आपको पास देखना चाहते हैं। सवाल है आपसे ये बताइए कि 8वीं अनुसूची में क्या है? वाह कितनी भाषाएं हैं भाई, बहुत बढ़िया, तेज है आप। बताइए बाबू भारत के संविधान में भाग एक क्या है? नहीं पता, केंद्र राज्य के बारे में है। अच्छा उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 4 लाख। वाह बहुत बढ़िया, प्राइज का जीते थे आप, अच्छी बात है। आप चले खड़ा हुए बगल में जल्दी ये बताएंगे राज्यपाल का वेतन कितना है? 28 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख, बढ़िया। पीछे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का वेतन कितना है? 2.5 लाख, 2,80,000, बैठी। बगल में प्रधानमंत्री के वेतन कितना है? 3 लाख, 1,60,000, बैठी बगल में। आप बताइए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का वेतन कितना है? 2.5 लाख, बैठी। चलिए आप खड़ा हुई, हाँ अंजू, राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, बैठे रहो नहीं की पड़ा। आप ये बताइए राज्य के राज्यपाल को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट शपथ दिलाता है, त्याग पत्र कौन लेता है? ये हाँ राष्ट्रपति, बहुत बढ़िया। और राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है? अरे भारत के न्यायाधीश को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सॉरी उपराष्ट्रपति को। बैठो, हम भी गलत हो जाते हैं आप लोगों का चेहरा सुखाया देखकर। आगे बताइए आप उपराष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है? राष्ट्रपति को। बगल में उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, बैठिए आप। ये तो और महिलाएं डुबा दी हमको, उठ के मुड़ी गाड़ लेती है, डांटे कोई सही सबको। एक लेडी को बुलाएंगे पिटने के लिए, जान लीजिए आप लोग, मुड़ी गाड़ने से काम नहीं चलेगा। आप बताओ उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? लड़का लोग बोल दे रहा है आगे आगे, राष्ट्रपति का फरेंड है का आप लोगों का, आगे बन जाएंगे, बनेगी तो यह डूबेगी वो डूबेंगे लोग। हाँ बोलो जल्दी, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? हाँ उपराष्ट्रपति, वाह आई जाए खाली, गाना वो नहीं गाता है लोग, कच्चा कच्चे धागा से बंधा चली आए, ऐसे जैसे कोई आना जाना आना जाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना। तो वही हाल है एकदम से, ना हम पढ़ेंगे ना आप पढ़िएगा, बस आइए जाइए बात खत्म, हम ठग ले यही तक काम रह गया। बैठिए बगल में, आप बताइए राष्ट्रपति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट। अच्छा चलिए प्रेसिडेंट का हिंदी क्या होता है? राष्ट्रपति। एडमिशन हो गया है, कितना पैसा जमा किए? हम पहली बार ना एडमिशन होता है कि दूसरी बार होता है। कितना जमा किए है? 1,000 का हो ये नॉलेज, प्रेसिडेंट के स्पेलिंग भी नहीं आया। बैठिए, कैसे सर पकड़ लेते हैं कि भैया इनको नहीं आएगा। बगल में आइए, प्राइम मिनिस्टर का हिंदी में क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री।
अच्छा ये बताओ राष्ट्रपति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अच्छा प्रेसिडेंट, चलो बढ़िया है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? वाह बढ़िया है, बैठो। चलिए आगे, ये सब बच्ची पुरानी है तो ब्रिलियंट हो ही जाती है डांट डपट के कारण। हाँ जी आप, राष्ट्रपति कितने दिन तक राष्ट्रपति रहता है? राष्ट्रपति शपथ किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? प्राइस देंगे 60। आइए जल्दी आइए, तो ऑनलाइन आपको एक प्राइस देते हैं, जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी, समय की बड़ी दिक्कत है, फास्ट, क्योंकि फ्यूचर में इसको बीपीएससी और आईएएस किसी हाल में बच्ची निकालेगी। इनके पापा बहुत अच्छे हैं और बहुत कॉपरेट करते हैं, दो बच्चियां बहुत अच्छी मेरे यहाँ, इनके गार्जियन बहुत अच्छे, एक सैलजा नहीं आई हुई है, तबियत तो सेल खराब है, और ये एक बच्ची, ताली बजाइए आप लोग जोर से, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा करोगे जाओ, क्योंकि इसको एक पेंट से कोई मतलब नहीं, कभी क्रीम नहीं लगाती है, कभी लिपस्टिक नहीं लगाती है, कभी कोई मेंटेन नहीं, सदा कपड़ा पहनती है और पापा के सपने को साकार करेगी एक दिन, देखना। लेकिन लोग पीछे पड़ी मत पड़ने देना, लोग यहाँ तेज देख के सट जाला, तो ध्यान रखना एकदम से। हाँ चलिए आपसे सवाल है, आप बताओ अनुच्छेद अनुसूची 7 में क्या है? हाँ समवर्ती राज्य सूची, बैठिए बगल में। अनुच्छेद अनुसूची 8 में क्या है? भाषा, वाह। आप बताइए राष्ट्रपति के वेतन कितना है? और भाई पचला छह आदमी बोल दो तो उपराष्ट्रपति के वेतन, हाँ 4 लाख। राज्य के राज्यपाल का? हाँ बैठो ठीक है। आप ये बताओ कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिस पर मुकदमा चलाने से पहले 14 दिन पहले सूचना देना जरूरी है? राष्ट्रपति। अच्छा भारत का मुख्य न्यायाधीश किससे त्याग पत्र देता है, किसको? राष्ट्रपति को। बैठो। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ लगता है? तुम्हारे पीछे भी आदमी बा। हाँ राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ लगता है? लोकसभा राज्यसभा कहीं भी। आगे बताओ भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे और पहले प्राइम मिनिस्टर? गई मैंने कहा पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? और ठीक है चले बगल में, आत्मविश्वास मजबूत है, जब गई तो खबरा जल्दी कहती ना ना ना। ये बताओ भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन थे और पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई, सर्वपल्ली राधा बैठी। आप पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पढ़ नहीं रही आप लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल बगल में। अच्छा ये बताइए कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? वाह जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ना नीति आयोग के नरेंद्र मोदी 2015। अच्छा वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? और वर्तमान पूछ रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू 64 में जा रहे हैं। ये बताओ कि बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? तेजस्वी के पत्नी का नाम क्या है? प्रियंका, इसे याद रहता है ना। अच्छा चलिए आगे, ये बताओ कि अभी शराब से पीकर कितने लोग जहरीले शराब से मरे हैं? लगभग 50, काउंटिंग हम लोग नहीं किए हैं, बैठो ठीक है अपडेट भी। चलिए आगे बताइए कि भारत में अभी कितना केंद्र शासित प्रदेश है? 8। वाह। आप ये बताओ कि भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ? नवंबर 49। बैठिए। भारत के संविधान कब लागू किया गया? 50। बहुत बढ़िया। आप तिरंगा में कितना कलर होता है? तिरंगा में कई गो रंग? 4 गो, ऊपर केसरिया, उज्जर, हरियर, नीला, चक्र, चक्र ना कि नहीं रंग भय कि ना
उजर ना गिनाए के चाहिए लेकिन गिना ला जी आप ये बताए चक्र में कितनी तिल्लियां होती है। अशोक के जो स्तंभ में चक्र था उसमें कितनी तिल्लियां थी 32 जी आ गया। ये बताओ सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है मुंडकोपनिषद से। आप ये बताइए राष्ट्रीय पशु क्या है बाघ। बाघ का साइंटिफिक नाम क्या है भीतर गर्दन में सोना रखी वो छीन ली बुझ रहा है कि भाई घर में चिमनी उमनी बा धनी घर के रुआ बाने दिखावल जरूरी बा ना बोले तो लजवाए। पेंथ्रा टाइग्रिस राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है मोर। बहुत बढ़िया मोर का साइंटिफिक नेम ना पावो क्रिस्टेटस। चलिए राष्ट्रीय पुष्प क्या है कमल का साइंटिफिक नेम नेलेपोनिसिफेरा। आप राष्ट्रीय मिठाई क्या है वाह चाव से जिलेबी। जिलेबी भारत में किसने लाया तुर्कों ने। आगे आप बताइए ये बताइए कि भारत के संविधान पर सिग्नेचर कितने लोग किया था 284 वाह आपसे सवाल है। ये बताओ कि संघ लोक सेवा आयोग किस विषय के अंतर्गत आता है राज्य सूची। आप किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सूची के विशेष संघ को अधिकार में दिया जाता है 249। आप ये बताओ कि राज्य के विशेष संघ को दिया जाएगा कितने दिन के लिए विधिमान्य होता है 1 साल। आप ये बताओ कि भारत का राष्ट्रपति अभी कौन है जी अच्छा द्रौपदी मुर्मू वाह बढ़िया। ये बताइए कि द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की है बोलिए बोलो तेज पानी उलिछा कौन राज्य की है ओडिशा। ओडिशा किसी बोल रहे हैं उलिछा बड़ी जी आप आगे बताइए भारत में कितना राज्य है 28 बैठिए। ये बताओ कि भारत के तिरंगा जो फहराया जाता है वह 2 दिन महत्वपूर्ण ढंग से पूरे देश भर के लोग फहराते हैं बता सकती हो दिन क्या है 26 जनवरी 15 अगस्त। बहुत बढ़िया नई बच्ची हो कम बोलती हो इसलिए छोटा सवाल था आपसे सवाल है 26 जनवरी को कहां झंडा फहराया जाता है मूलतः इंडिया गेट पर। आप इंडिया गेट पर झंडा कौन फहराता है राष्ट्रपति। पीछे लाल किला पर झंडा कौन फहराता है प्रधानमंत्री कब फहराता है 15 अगस्त को बैठिए जी। ऐसे तो दोनों दिन फहराता है लेकिन मूल रूप से वही झांकियों की दिखाया जाता है। आप बताइए थोड़ा सा कि भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कांग्रेस ने सबसे पहले कब की थी 1929 के लाहौर अधिवेशन के दौरान बैठिए। आप झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे जेबी कृपलानी। आप राष्ट्रगान किसने लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने बगल में। राष्ट्रगान कब कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया 1911 में। आप ये बताओ कि राष्ट्रगीत कब लिखा गया 26 जनवरी को लिखा गया सुनील कर 1874 में बैठी लोगों ने की परत 1874 में राष्ट्रगीत को किसने लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने बगल में। आप ये बताओ कि राष्ट्रगीत को कब कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया 1874 में गाया गया कांग्रेस था ही नहीं कांग्रेस 1885 में आया जी 1896 बढ़िया। ये बताओ कि राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था गाने में कितना समय लगता है राष्ट्रगान राष्ट्रगीत पूछे यानी वंदे मातरम 62 से 65 सेकंड के बीच बैठिए।
जी आप राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? 52 से 55 सेकंड। बहुत बढ़िया। आप राष्ट्रगान जो है किसने लिखा था आप बगल में? राष्ट्रगान कब कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया? 1950 में गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में, 1911 बगल में। राष्ट्रगान कांग्रेस के अधिवेशन में 1911 में गाया गया, कहां? कोलकाता में। सबसे हो गया तो चलिए आप लोग सब सुने होंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी डाल देंगे इस वीडियो को। कैमरा खराब है थोड़ा सा, ये चलेगा, लेकिन जोश जुनून और लक्ष्य सफलता खराब नहीं है। स्टडी पॉइंट बेहतरीन कराता है, आप सब सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से और बेहतरीन हो सकेगा। धन्यवाद, नमस्कार।